सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल विद माई न्यू वीडियो। तो गाइज आप लोग मुझे बताओ पहले कि टाटा मोटर्स का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में यू नो क्या रिएक्शन होता है, बेस्ट कार्स, बेस्ट SUVs, सेफ्टी या इंजन फेलियर। और गाइज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ना, टाटा इज ए बेस्ट कार। अगर आप थोड़ा पास्ट में जाओगे, लाइक उन्होंने हमको बहुत सारी बेस्ट कार्स दिए जो आज भी हमारे पास है, लाइक 1991 में टाटा सियारा बहुतों के पास होगी, 1992 में टाटा एस्टेट, 1994 में टाटा सूमो और 1998 में टाटा सफारी। और ये गाइज ये गाड़ियाँ ना आज भी हमारे पास एक सुवेनियर के तौर पे हमारे गैराज में होगी या काफ़ी लोग चलाते होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पहले गाड़ियाँ इनकी अच्छी थी या अब ख़राब है। गाइज गाड़ी ना कोई भी परफेक्ट नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मेन चीज़ है जो कंपनी उसको उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए दिन रात लगा रही है ना, वो सबसे मेन चीज़ है। तो वही सेम चीज़ टाटा यहाँ पे कर रही है। आप लोग खुद देखो, जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती चली गई वैसे वैसे गाड़ियाँ जो टाटा की वो बदलती चली गई, लुक्स उनका बदलता चला गया। एंड टाटा ऑल्सो ओन जैगुआर एंड रेंज रोवर, तो दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट। और वो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, तो सच बता रहा हूँ गाइस, जो ये प्रॉब्लम्स है इसमें अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स टाटा में देखने को मिलती है, तो वो सारी हट सकती है। हट सकती नहीं, हटेगी, बिल्कुल हटेगी। तो गाइस इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है, टाटा ने अभी रिसेंटली में एक नई कार लॉन्च की थी, कॉन्सेप्ट लॉन्च किया टाटा HBX, और साथ ही साथ टाटा नेक्सॉन का एक फेसलिफ्ट वर्जन आया था। तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों को ना मिक्स किया जाए और एक नया लुक दिया जाए टाटा नेक्सॉन को, और उस पर थोड़ी बहुत एसेसरीज लगाई है, तो उसका थोड़ा जो लुक है वो टाटा HBX जैसा मैंने बना दिया और दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप लोग ये देखो गाइस, तो ये है मेरे YouTube चैनल की एनालिटिक्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और सब्सक्राइबर्स। तो गाइज ये देखने के बाद ना मैं थोड़ा ना बुरा लगा, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो गाइज प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे आते हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और उसके बाद आप लोग इन्जॉय करो, वीडियोज़ को इन्जॉय करो। अगर आप लोग वीडियोज़ देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो गाइज, बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट, माई वर्क रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। Please hit that subscribe button and support me and support my work. तो guys now let's start this video without wasting time. So जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको HBX की थोड़ी बहुत एसेसरीज दे रहा हूँ, तो यहाँ पे टायर्स मैंने ऑफरोडिंग लगा दिए, और ज़्यादा मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया नहीं, ज़्यादा मैंने चेंजेस किया नहीं है, सोबर रखा है, बिकॉज उस सोबर में ना दिस कार इज लुकिंग सो अमेजिंग। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो एसेसरीज मैंने इसमें लगाई है ना, ये असली में आई, ये रियल में आई, टाटा मोटर्स इसको रियल में निकाले, तो सच कह रहा हूँ कि फेसलिफ्ट जो इसका नेक्सॉन का फेसलिफ्ट वर्जन है ना, वो बहुत ही बिकने वाला है। बिकॉज अगर आप लोग देखोगे ना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा। और यहाँ पे एज यू कैन सी जो टायर्स है वो मैंने टोटली चेंज कर दिए, ऑफ रोडिंग टायर्स लगा दिए, देन इसका जो रूफ रैक है वो मैंने लगा दिया, लाइट्स उस पर मैं थोड़ा यू नो अलग सोच रहा था तो वो लाइट्स लगाऊंगा, अभी यहाँ पे थोड़ा जो रूफ रैक्स है, रूफ रेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लगाई है। एंड गाइस टाटा नेक्सॉन ना इज ए सेफेस्ट कार, और सेम जो टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट है ये भी सबसे सेफेस्ट कार है, और लुक में तो इट्स ऑसम, इंटीरियर में बहुत ही तगड़ी। तो मैं वही कह रहा था गाइस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जैसे जनरेशन चेंज हो रही है वैसे टाटा की गाड़ियाँ भी चेंज हो रही हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा ना ये टॉप पे होगी, इंडिया में सबसे बेस्ट सेलिंग कार होगी। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने इसका जो बार लाइट है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, एक ऑक्सीजन लाइट लगा दी, देन फ्रंट में जो इसकी लाइट्स है वो भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, लाइक टाटा HBX तो उसमें भी दो लाइट थी, पर वो दो लाइट इसमें अच्छी लग नहीं रही थी, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, तो ये लाइट्स मैंने यहाँ पे लगा दी। एंड जो लाइट्स मैंने लगाई है वो काफ़ी इस पर यू नो परफेक्टली फिट हो गई है और काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोग मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये जो नई मॉडिफिकेशन मैंने इसमें की है ये कैसी लगी है, कैसी नहीं। एंड एवरीथिंग इज डन गाइज, नाउ डूइंग सम डिटेलिंग वर्क, एंड इसके काफ़ी सारे इमेजेस और इसका रियल लुक भी मैं बनाऊंगा, और वो जो रियल लुक है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा और फेसबुक पे अपलोड करूंगा। तो गाइस प्लीज़ गो एंड फॉलो मी एंड यू नो लाइक माय पेज ऑन फेसबुक, दोनों के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो एवरीथिंग इज़ डन, अब जो इस पर मैं जो लास्ट में जो काम कर रहा हूँ वो है इसके जो ग्रिल्स है ना, उस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी ना LEDs लाइट लगा दो ओनली फॉर लुक, तो वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, बट वो मैं फाइनल आपको जो फाइनल इमेज है उसमें दिखाता हूँ। तो गाइज नाउ एवरीथिंग इज डन, नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल इमेज, एंड द फाइनल इमेज ऑफ दिस कार इज दिस। सो दिस इज द फाइनल इमेज, एंड एज यू कैन सी द कार इज लुकिंग सो ऑसम, और नेक्सॉन जब स्टॉक में थी तो अच्छी लग रही थी,
बट ये जो मॉड के बाद, इस मॉड के बाद ये और अच्छी लगने लगी। तो गाइज आप लोग मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये जो नया मॉड है, ये ऑफ रोडिंग मॉड है, ये कैसा लगा। और साथ साथ गाइज हिट दैट लाइक बटन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, ये नया लुक अच्छा लगा। और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माई वर्क बाई प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन। सो गाइज न्यू वीडियो इज कमिंग सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।